क्लास 10। टुडे वी विल डिस्कस बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 224 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब एक कंपास नीडल को हम बार मैग्नेट के पास प्लेस करते हैं तो वो क्यों डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि कंपास नीडल के अंदर भी एक आयरन पाइवेटेड निडल होती है जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जब हम उसको एक बार मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे। तो कंपास निडल के अंदर जो आयरन निडल होती है वो बार मैग्नेट के पास जाते ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, सो इट विल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द बार मैग्नेट। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्क्रीन पर आपको ये पैटर्न शो किया गया है ये आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। बार मैग्नेट का आप कोई भी पोल लेफ्ट या राइट पर आप प्लेस कर सकते हो। फिगर के अंदर जो लेफ़्ट साइड है वो साउथ पोल है और जो राइट साइड है वो नॉर्थ पोल है, और जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है और मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में सेटअप हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की प्रॉपर्टीज़, नंबर 1, मैग्नेटिक लाइन्स है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उनके दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दैट मीन दे आर वेक्टर इन नेचर। और जो मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और ये इनसाइड द मैग्नेट होता है, और अगर हम मैग्नेट के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ रही हैं। उसके बाद कभी भी टू मैग्नेटिक लाइन्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इट गिव्स द टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज इंडिकेटेड बाय द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। जितनी ज़्यादा आपकी फील्ड लाइन्स जो होंगी वो क्लोज होंगी, दैट मीन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट के पास बहुत ज़्यादा क्लोजर होती हैं लाइन्स क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जैसे जैसे एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट बार मैग्नेट द लेसर विल बी द स्ट्रेंथ, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट क्लोज, दे आर नॉट डेंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी दैट गिव्स द टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। नो क्वेश्चन पेज नंबर 229 पर आपको क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। एक सर्कुलर लूप है वायर का, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अगर उस लूप के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज पास हो रहा है, दैट मीन्स जिस तरीके से क्लॉक चलती है 12, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज, इस तरीके से वो करंट पास हो रहा है। Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside for loop. आपको right hand rule apply करना है, और right hand rule क्या होता है कि जो thumb है it will give the direction of the force, the index finger will give the direction of the magnetic field lines and the central finger will give the direction of the current. So then according to this rule if we apply on the loop that in which the current is passes through the clockwise, then the front face of the loop will be the south pole and the back face will be the north pole. So accordingly जो figure screen पर आपको दिखाई हुई है इस तरीके से आप उसमें directions जो हैं वो बनाएंगे magnetic lines की, और जो magnetic lines की जो direction है अगर हम loop के अंदर देखते हैं तो that is perpendicular to the plane of the paper inwards. And if we see outside the loop, then it is perpendicular to the plane of the paper, that is outwards. Now, question number 2. The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it.
जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं अगर वो यूनिफॉर्म होती हैं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स सेम एट एवरी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेक करेंगे तो वो बिल्कुल सेम मिलेगी. और ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है दैट इज़ ऑलवेज इनसाइड द मैग्नेट. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अ गिवन सोलेनोइड गिवन रीजन इज़ यूनिफॉर्म. तो इसके लिए जो डायग्राम होता है दैट इज़ पैरेलल रेज. इस तरीके से हम बहुत सारी पैरेलल लाइन्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट विल रिप्रेजेंट सम मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट. ये ऑप्शंस आपको गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक सोलेनोइड जिसके अंदर करंट पास हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. ज़ीरो, डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीजेस एज वी मूव इन टूवर्ड्स इट्स एंड, और इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. द आंसर विल बी इट इज़ सेम एट ऑल द पॉइंट्स. क्योंकि अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो ऑलवेज एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स जो होती हैं वो यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है. तो इसलिए द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स.